पानीपुरी कहे या गोलगप्पा या फिर पुचका, ये सब नाम एक ही है जिनका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये बच्चे बूढ़े सबका फेवरेट होता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी पानीपुरी। इस रेसिपी में मैं आपको पानीपुरी की पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ। मीठा पानी, तीखा पानी और रगड़ा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पानीपुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका रगड़ा बना लेंगे। आप उसे रगड़ा कहिए या पानीपुरी का मेन मसाला। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम बोल सफ़ेद मटर, 6 आलू। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 सीटी आने तक हम पका लेंगे। अगर आपको आपका मटर नहीं पक रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये देखिए 2-3 सीटी के बाद हमारा मटर पक कर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो आलू है ना उसको अच्छे से मैश कर लेंगे, सारे आलूओं को। आप चाहे तो पाव भाजी मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पैटुला से ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हमारे आलू धीरे धीरे बिल्कुल मैश हो चुके हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और स्वादानुसार नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दें। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है ना, बिल्कुल आसान। रगड़ा तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खजूर लिया है और थोड़ा सा इमली, जिसको पहले से ही भिगो लिया था मैंने। अभी हम खजूर का क्या करेंगे, बीज निकाल लेंगे। खजूर के अंदर और इमली के अंदर थोड़ा बीज होता है ना, वो इमली और खजूर के बीज को निकाल लेंगे और एक साथ उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया इन दोनों को। अभी जो हमने इमली का पल्प निकाला था उसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। अगर आपको लगता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल दें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाला है छानने के लिए। ये देखिए हम इसको थोड़ा हल्का सा पतला रखेंगे, ज़्यादा भी पतला नहीं रखेंगे। हमारा पल्प रेडी हो चुका है। अब हम इसको पका लेंगे। मैंने यहाँ गैस ऑन किया है और 2 टीस्पून इसमें चीनी डाला है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर यहाँ मैंने यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून काला नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जीरा पाउडर कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा थिक होने तक हम पकाएंगे। एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, हल्का ही गाढ़ा करेंगे इनको हम। ये देखिए हमारा इमली की जो खजूर और इमली की जो खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इमली लिया है जो कि मैं तीखी पानी में यूज़ करूँगी। इसको भी मैंने भिगो लिया था और उसको अच्छी तरीके से छान लिया है। इसका भी इमली का पल्प हम यहाँ निकालेंगे। ये देखिए इमली का पल्प रेडी हो चुका है। इसको भी छान के मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये करीब 1 मीडियम बोल है। अब हम तीखी चटनी बनाएंगे। तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया लिया है, हरा धनिया, और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और थोड़े अदरक के टुकड़े लिए हैं। यहाँ पे मैंने मिर्च ज़्यादा यूज किया। आप अपने स्वादानुसार मिर्च ले सकते हैं, कितना तीखा पानी आपको चाहिए। लहसुन भी ज़्यादा यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए ये हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरीके से। जो हमने पल्प निकाला था ना उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें पानी डाल डाल के हम इसको अच्छी तरह से उसका जो नीचे का रस है पूरा निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और डाला है, छान लिया है मैंने इसको। फिर से पानी डालूंगी। आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। ठंडा पानी से पानीपुरी और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए ये छन कर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक,
1/4 हींग, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और जो हमने इमली का पल्प बनाया था वो डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, हमने काला नमक ऑलरेडी ऐड किया है तो ध्यान से नमक डालिएगा। आप चाहे तो बाज़ार में मिलने वाला पानीपुरी मसाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जितना ठंडा पानी यूज़ करेंगे आपका पानीपुरी उतना ही स्वादिष्ट आएगा। ये हमारा पानी तैयार हो चुका है, अब हमको पानीपुरी खाना है। इसके लिए हम बाज़ार में मिलने वाली जो बूंदी आती है ना उसको मैंने यहाँ यूज़ किया, जो पानीपुरी में यूज़ होती है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी में, मैंने यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पुचका लेंगे यानी पानीपुरी का जो पानीपुरी लेंगे उसमें थोड़ा होल करेंगे और जो हमने मसाला बनाया था वो डालेंगे। मीठी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा सेव डालेंगे और प्याज डालेंगे। अब इसको जो हमारा ठंडा ठंडा पानीपुरी है बूंदी वाला उसके अंदर डिप करेंगे और उसका मज़ा लेंगे।